आज इस वीडियो में देखिए ऐसा घर जहाँ है ये पुराना एंटीना। इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा अपनी पड़नानी का घर जहाँ अब कोई नहीं रहता। देखिए कैसे आधुनिक कंस्ट्रक्शन के समय में हम इन घरों के आर्किटेक्ट को भूलते जा रहे हैं जो सर्दियों में हमें गर्म और गर्मियों में ठंडा रखते थे। तो बहुत ही खूबसूरत जगह पर मैं इस वक्त हूँ और ये मेरी पड़नानी का मतलब मेरी नानी की मम्मी का घर है, लेकिन मैंने भी यहाँ पे बहुत समय बिताया। समय मतलब जब हमको छुट्टियाँ होती थी 2 महीने का हम यहाँ आते थे। वहाँ पे देखिए उनकी वो है गौशाला भी है। तो अब तो जितने लोग यहाँ रहते थे उन्होंने अलग अलग जगह घर बना लिए, मतलब जो मेरे नाने लगते हैं, लेकिन ये अभी भी बहुत वो है खंडर सा बन चुका है। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि पुराने पत्थर और वो दिखेंगे। और सबसे खूबसूरत बात वो एंटीना आपको दिखेगा ऊपर, देखिए वो पुराना वाला एंटीना जिसको छत पे खड़े होकर ठीक किया जाता था। ये थोड़े कुछ मेरे को टोकरियाँ वगैरह और ये दिख रही हैं अंदर, और कुछ प्रवासी यहाँ रहते थे कुछ दिन पहले तक, नाना ने उनको जगह दे रखी थी यहाँ पे। तो कुछ यूँ था ये, और यहाँ इन खिड़कियों से हम झांकते थे। आसपास का मैं बताऊँ तो यहाँ मैंगो के आम के बहुत पेड़ अभी भी हैं, और ये अमरूद इसमें ना जो अमरूद लगते हैं वो बाहर से ग्रीन होते हैं अंदर से रेड होते हैं, और ऐसे ही नीचे भी पेड़ होते थे। हमने बहुत अमरूद खाए यहाँ पे, अमरूद और मैंगो। और यहाँ पे ये वाला पार्ट मेरे को बहुत अच्छा लगता था जो छोटे छोटे धुंधली धुंधली यादें, यहाँ पे खड़े होके हम लोग झांकते थे बाहर को। और यहाँ अंदर ना एक हॉल था, और हॉल के साइड में 2 कमरे और उस तरफ पीछे की साइड में किचन। किचन का मुझे आज भी याद है, जो मेरी पड़नानी थी वो मर्तबान रखती थी अचार डालने के लिए, और बहुत ही काइंड ऑफ बहुत सारे प्रकार के अचार रखे होते थे। और ये भी मेरी नानी लगेंगी रिश्ते में, और ये भाई यहाँ पे खड़े हैं तो ये हमको लेके आए यहाँ पे, क्योंकि रास्ता वहाँ ऊपर से बंद कर रखा है अभी, तो उस तरफ से आए हम लोग। वो वाले घर भी बहुत ऐसे होते थे स्लेट वाली, तो वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, लोग कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। और देखिए ये पुराने घर अपनी उसी खूबसूरती के साथ, एक बीता हुआ ज़माना। ये देखिए ये यहाँ पे हम बैठते थे, तो कैसा लग रहा है आपको ये देख के? बहुत बढ़िया। और ये देखिए यहाँ पे वहाँ भी जाते थे हम, वो सामने वहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिखता है नीचे पूरा जाहू घाटी का। तो ये भी गौशाला भी ऑलमोस्ट पूरी तरह वो है, ये रास्ता था यहाँ से आते थे, मतलब ये अभी तो पूरा यहाँ पे घास वास हो गई है, बट यहाँ से हम लोग आते थे और ऐसे। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया बहुत बड़ा घर था ये उस ज़माने में। तो अब तो सब सेटल्ड हैं इधर उधर, एक नाना ने घर वो बना रखा है सामने, आप देख सकते हैं मतलब मेरी मम्मी के मामा ने, वहाँ पीछे जैसे उसके पीछे भी घर है दूसरे मामा का, कुछ और जगह कोई सुंदरनगर सेटल हो गए। वैसे ऐसे परिवर्तन ही जीवन का नियम है, तो अपने में बहुत ही खूबसूरत यादें। अब आपको एक घर और दिखाते हैं हम उस तरफ, जो अभी भी अपने पुराने स्वरूप में रखा है उन्होंने, वो उस तरफ जाके दिखाते हैं। और ये देखो ये वो बगीचा, कई बार हम पेड़ पे चढ़ के बैठे रहते थे। बहुत साल की बहुत 2 महीने की याद है, पर वो भी मैंने कहा था जो मेरी पड़नानी उनके टब्बर के जो लोग हैं उनकी दरानी जिठानी वो उनका घर है ये। और ये मैंने बताया आपको पुराना स्टाइल का मिलेगा, देखो या इस प्रकार के कुछ घर होते थे, इन्होंने अभी भी इसको मेंटेन रखा है। और इसको बिड़िंगू बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बिड़िंगू सर। बिड़िंगू आप क्या बोलते हैं इसको, जो ये खिड़की बोल बोलते हैं पर इस पे? हाँ सर बिड़िंगू, बिड़िंगू जरा बिड़िंगू तो सही लग रहे बोलते हैं ना। हाँ। से जो वहाँ से रेलिंगो बोला है। अच्छा अच्छा ओके। हाँ वो रेलिंगो बोलते हैं। और ये इसमें आपने कई वो देखे होंगे वीडियोज में ना, जैसे कोई हम गानों की वीडियो देखते हैं तो एक कोई सुंदर सी लड़की बैठ के झांक रही होती है बाहर, दीवार देख रही होती है पूरे नजारे, तो उस प्रकार की कुछ। तो ये देखिए कितनी सारी वहाँ 1 2 3 4 5 6 खिड़कियां हैं यहाँ पे। और तो विनीता बोल रही है कि मैं ऊपर जाके वो वाला पोज देने वाली हूँ। और ये मेरी पड़नानी लगेंगी ये भी। नमस्ते जी। एक पड़नानी वो बैठी है वहाँ पे। बच्चे डेढ़ हो गए सच्चे। ये ही मेरी इतका। और हाँ ये देखो यहाँ पे